नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 5 जुलाई 2023 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इस डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आज के डिस्कशन का। पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो ये बना है कौन सा देश? न्यूजीलैंड। बी ऑप्शन न्यूजीलैंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है यह है वेलिंगटन। लार्जेस्ट सिटी है इसकी ऑकलैंड। न्यूजीलैंड डॉलर करेंसी है और प्राइम मिनिस्टर है क्रिस हिपकिंस। स्वीडन की बात करते हैं, स्टॉकहोम कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी यही है। स्वीडिश कोरोना ये करेंसी है और प्राइम मिनिस्टर है उल्फ क्रिस्टर्सन। युगांडा की बात करें, कंपाला कैपिटल है, लार्जेस्ट सिटी भी यही है। युगांडन सेलिंग करेंसी है, प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी, प्राइम मिनिस्टर हैं रोबिना नबंजा। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, कैपिटल है कैनबेरा, लार्जेस्ट सिटी सिडनी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है, प्राइम मिनिस्टर हैं एंथोनी एल्बनीज। तो बी ऑप्शन न्यूजीलैंड फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, किसने कॉल इंडिया के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है पीएम प्रसाद ने। डी ऑप्शन पीएम प्रसाद, ये सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो भी न्यूज़ में थे। आर के सपरवाल, इनको मंगोलिया का हाईएस्ट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। नुकलुफोम, इनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, ये नागालैंड से हैं। कौशिक राजशेखर, इनको वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। हेमलता शर्मा, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य संयुक्त सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। बाकन जगदीश सुधाकर को यूनेस्को मिकेल बैट्सी अवार्ड से सम्मानित किया गया। नितिन अग्रवाल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने। अमित अग्रवाल यूआईडीएआई भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। ललिता नटराजन को इकबाल मसीह पुरस्कार प्रदान किया गया। तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। पीएम प्रसाद को कोल इंडिया के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण किया। कोल इंडिया के नए चेयरमैन का पदभार किसने ग्रहण किया? पीएम प्रसाद ने। थर्ड क्वेश्चन, जुलाई 2023 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य के लालपुर गाँव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया? याद रखेगा, ये जो नेशनल सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन मिशन है, इसका लक्ष्य रखा गया है 2047 और इसको मध्य प्रदेश में है, ये लालपुर गांव, यहाँ से इसको उद्घाटन किया है। तो डी ऑप्शन मध्य प्रदेश थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने घर घर औषधि योजना इसको स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने बाजरा मिशन इसको स्टार्ट किया। डी ऑप्शन मध्य प्रदेश थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है। ये मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना का नवंबर 2021 से लागू किया। बीना तेल रिफाइनरी न्यूज़ में थी, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सरकार ने नंबर 765 योजना को मंजूरी दी। दिसंबर 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने आपकी सरकार आपके साथ अभियान लॉन्च किया। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे। रामनाथ कोविंद जी ने मध्य प्रदेश में आरोग्य मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। खबरों में रहा, शाक्य सागर झील मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू की। इंदौर शहर ने पूरी तरह से डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने के लिए फर्म पता नेविगेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने 16 अक्टूबर 2022 को मध्य प्रदेश में देश में पहली बार हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम की शुरुआत की। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 नवंबर 2022 को राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पैसा कानून लागू किया। दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश में देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय जनता के लिए खोला गया। 3 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मध्य प्रदेश में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्मधम सम्मेलन का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश के सुंदराजा आम को GI टैग दिया गया। मध्य प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया। मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने अपने परिसर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश का और करंट अफेयर कवर करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू की। भोपाल के अंदर रानी पद्मावती का मेमोरियल बनेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प अभियान शुरू किया। यूनेस्को को जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। राला मंडल सेंचुरी न्यूज़ में थी, मध्य प्रदेश में है। ASI ने मध्य प्रदेश में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की। प्रतिभा खोज अभियान मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया। मध्य प्रदेश सरकार ने युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान में जंगली चीतों को छोड़ा, जो भारत से विलुप्त हो गए थे।
अब लोकेशन देखें आप मध्य प्रदेश की, ये है मध्य प्रदेश की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पांच राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। भोपाल कैपिटल है, 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, मंगूभाई छगनभाई पटेल राज्यपाल हैं। जबलपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश है रवि मालीमात। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रिय दर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फोशा नेशनल पार्क। तो ये बात करी हमने मध्य प्रदेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन, छठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप किसने जीती? ये जीती हरियाणा ने, बी ऑप्शन हरियाणा। फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है, उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ मगरमच्छों की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना का उद्घाटन किया। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना को स्टार्ट किया। राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना को स्टार्ट किया। बी ऑप्शन हरियाणा फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस 3 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जून 2023 को विश्व ड्रग दिवस मनाया गया। 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, ये दोनों दिवस 1 जुलाई को मनाए गए। 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस यानी इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ये मनाया गया। तो डी ऑप्शन 3 जुलाई, ये फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, यूकी भाभरी का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है टेनिस से। डी ऑप्शन टेनिस, ये सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। सेवन्थ क्वेश्चन, पेन पिंटर प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पेन पिंटर प्राइज 2023? तो ये दिया गया किसको? माइकल रोसेन को। बी ऑप्शन माइकल रोसेन, ये सेवन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। एट्थ क्वेश्चन, विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल पीस इंडेक्स? तो भारत को इसमें जो रैंक प्राप्त हुई है ये हुई है 126वीं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले स्थान पे कौन है? पहले पे है आइसलैंड, दूसरे पे है डेनमार्क और सबसे लास्ट पे कौन सा देश है? सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान। ग्लोबल पीस इंडेक्स IEP, इसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाता है। तो भारत को इसमें 126वीं रैंक प्राप्त हुई है। नाइन्थ क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का संबंध किस राज्य से है? ये मनाया जाता है कहाँ पर? झारखंड में। तो ए ऑप्शन जो है ये झारखंड नाइन्थ क्वेश्चन का सही आंसर है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।